साथियों, तो अब तक का यहाँ तक हमारा जो बात का जो ट्रिप था वो जारी है, और बहुत प्यारा सिटी है, बहुत प्यारा सिटी है। यहाँ पर जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मार्केट का, जो सिटी सेंटर का जो एक्विपमेंट्स है, जिस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कोई भी बात आता है तो विक्टोरिया पार्क है, विक्टोरिया आर्ट्स गैलरी है, एवन रिवर है जिस पर आप बोटिंग कर सकते हैं, आप क्रूज पे उसके ऊपर जा सकते हैं, उसके ऊपर खा सकते हैं, आप पी सकते हैं। और अभी जो मैं एक जगह पर आया हूँ, ये स्काईलाइन पार्क करके एक जगह है। आप देखेंगे मेरे बैकग्राउंड में पूरा सिटी जो है आपको नज़र आता है, ये पूरा जो है बास सिटी है, इस तरह भी रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन ये एक जगह आप देख लीजिएगा। जब इससे तो मैं ये सीख रहा हूँ कि जो यकीन है गिलगित बल्तिस्तान भी इतना ही खूबसूरत है, क्योंकि इन लोगों ने इस शहर के अंदर हम जहाँ भी गए, जिसके बारे में भी हमने देखा उसके ऊपर है कि 80 सेंचुरी से इन लोगों ने ये इस जगह की इस तरह बनाने की बुनियाद रखी है। तो अब आप देखेंगे आज कितने सौ साल बाद, 150 साल बाद ये जो दुनिया भर के लोग आते हैं उनको इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, एक देखने के लिए एक जगह मिलता है। तो गिलगित बल्तिस्तान से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, और जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि मेरे ख्याल से उस जगह को इसी तरह के खूबसूरत बनाने के लिए जो है वहाँ पर जो उस जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ होना चाहिए, जो जो वहाँ का जो मौसम है उस रिलेटेड, वो उस तरह का जो है आपका वेदर रिलेटेड फ्रेंडली आपका जो है कंस्ट्रक्शन हो, उस तरीके से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई ब्लॉक वाली ऐसी जो बिल्डिंग जिस तरह से खड़ी की है में या थॉमस कोर्ट में भी देखने मिल रहा है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, चीज़ें हो रही है। तो ये जगह आप देखिएगा कि कितने ज़मीनें इन लोगों ने रखी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ ग्रीनरी और जो है वो ग्रीनरी प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स नज़र आते हैं। पता नहीं कितने सौ साल पुराने या कितने उम्र के पुराने पहाड़ हैं। तो ये मैंने कहा कि 150 साल पहले इन लोगों ने ये बुनियाद रखी है, तो आज इस तरह का एक शहर बनाया है। तो इसी वादे से चलेंगे गिलगित बल्तिस्तानी भी आज ने, तो आने वाले 150 साल बाद भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद आज हम रखें, उसकी मार्केटिंग की, रेस्टोरेंट्स की, कौन सी जगह जो है प्रिजर्व रख सकते हैं आने वाले टूरिज्म के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हुकूमत वक्त को और इवन आम लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू, साथ रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। मैं कल परसों जाने वाला हूँ लंदन, लंदन के बाद जो है मैं वेल जाने वाला हूँ, मैनचेस्टर, बर्मिंगम, जो बड़े शहर हैं इंग्लैंड के। तमाम तर चीज़ें इस तरह के 2-3 मिनट में आपको दिखाने